इलेक्ट्रिक वाहन बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार एक्सपैंड कर रहा है और विटनेस है कि भारत में नए नए फोर व्हीलर मैन्युफैक्चर का एंट्री हो रहा है और वह भी कई वेरिएंट्स और कई सेगमेंट्स में एक साथ। वर्तमान में टाटा मोटर्स के ऑप्शंस के बारे में अगर बात करता हूँ तो टिगोर ईवी और नेक्सन ईवी के साथ भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार अग्रणी है, मीन्स लीड कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड ने पुष्टि की है, यानी कि कंफर्म की है कि वह निकट भविष्य में कुछ और ईवी को लॉन्च करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने 5 टाटा के ईवी कार्स की लिस्ट को तैयार किया है जो आने वाले सालों में भारत में लॉन्च होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुबीर रंजन, मीडिया ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ऑटो एक्सपो 2020 में कंसेप्ट फॉर्म में शोकेस किया गया था टाटा सिएरा ईवी नए सिग्मा प्लेटफॉर्म पर स्पेशल आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। आगामी सिएरा ईवी संभवतः 2 वेरिएंट में उपलब्ध होगी, एक फ्रंट व्हील ड्राइव और एक ऑल व्हील ड्राइव। डायमेंशनल रूप में सिएरा ईवी 4150 मिलीमीटर का साइज है जो स्कोडा कुशाक और हुंडई क्रेटा से थोड़ा छोटा है। लॉन्च होने पर टाटा सिएरा ईवी की कीमत लगभग 14 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस होने की उम्मीद है। टाटा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और सुविधाओं का विवरण का खुलासा अभी नहीं किया है, वो अभी होना बाकी है। कंपनी आने वाले महीनों में भारत में नेक्सन ईवी रेंज का विस्तार करने के लिए काम कर रही है। टाटा नेक्सन कॉम्पैक्ट एसयूवी में कई नई सुविधाओं की संभावना होगी, जैसे कि एक बड़ी बैटरी से सुसज्जित होगी, जैसे कि एडजस्टेबल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, एक एयर प्यूरिफायर, हवादार सामने की सीटें, नए अलॉय व्हील, ईएसपी, क्रूज कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक और बहुत कुछ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल इलेक्ट्रिक नेक्सन वर्तमान में उपयोग की जाने वाली 30.2 किलोवाट आवर बैटरी के बजाय 40 किलोवाट आवर यूनिट का उपयोग करेगी। मुझे उम्मीद है कि नेक्सन की लंबी रेंज होगी और कीमत लगभग 14.54 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस होगी। टाटा मोटर्स अपनी पंच एसयूवी में एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन जोड़ने की योजना बना रही है और लॉन्च होने पर यह सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी हो सकती है टाटा के लाइनअप में। इस साल लॉन्च होने की संभावना है यह मिनी एसयूवी 30.2 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मील का उपयोग करेगी। जिप्ट्रॉन ईवी पावर ट्रेन तकनीक द्वारा संचालित होगी। इंजन और बैटरी मिलकर 100 पीएस पावर और 200 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। टाटा पंच ईवी एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर की रेंज देंगी। ऑटो एक्सपो 2020 में प्रदर्शित टाटा अल्ट्रोज ईवी नियर प्रोडक्शन स्टेज में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्ट्रोज ईवी 2022 में यानी कि 2022 में भारत में अपनी शुरुआत करेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स देश भर में ईवी विस्तार पर आक्रामक रूप से काम कर रही है, बहुत अटैकिंग मोड में आ गए हैं। लॉन्च होने पर अल्ट्रोज ईवी 250 से 300 किलोमीटर प्रति चार्ज की ऑफिशियल रेंज पेश करने की संभावना है। डीसी फास्ट चार्जर के साथ बैटरी 0 से 80% से चार्ज होने में लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है, जबकि बैटरी को नियमित दीवार चार्ज से चार्ज होने पर 8 घंटे का समय लग सकता है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारत में अपने कूप शैली का एसयूवी कर्व ईवी का डिजिटल रूप से डिस्क्लोज किया है। ब्रांड ने कंफर्म किया है कि यह एसयूवी मुख्य रूप से ईवी फॉर्म में लॉन्च किया जाएगा और बाद में आईसीई संस्करण का फॉलो किया जाएगा। जेनरेशन 2 आर्किटेक्चर पर निर्मित कर्व एसयूवी प्रति चार्ज 500 किलोमीटर की विशाल रेंज पेश करेगी। भारत में टाटा कर्व ईवी की कीमत लॉन्च होने पर लगभग 20 लाख रुपए एक शोरूम होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा? आपको मालूम है टाटा देश की अग्रणी कंपनी है और ये 1-2 नहीं 5-5 नए इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक्स कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल के थ्रू ऐसे जो भी लेटेस्ट लीक अपडेट्स हैं
उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।